आज जब प्राकृतिक खेती करते हैं तो खेती के लिए जरूरी संसाधन, आप खेती और उससे जुड़े हुए उत्पादों से जुटाते हैं। गाय और पशुधन के जरिए आप जीवामृत और घन जीवामृत तैयार करते हैं। इससे खेती पर खर्च होने वाली लागत में कमी आती है, खर्चों घट ही जाए, साथ ही पशुधन से आय के अतिरिक्त स्रोत भी खुलते हैं। जे पशुधन पहला जेटली आवक आपतो होतो, अबे आवक में उमेरो थाय। इसी तरह जब आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो आप धरती माता की सेवा करते हैं। मिट्टी की क्वालिटी, जमीनी तबीयत, उसकी उत्पादकता की रक्षा करते हैं। जब आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो आप प्रकृति और पर्यावरण की सेवा भी करते हैं। जब आप प्राकृतिक खेती से जुड़ते हैं तो आपको सहज रूप से गौ माता की सेवा का सौभाग्य भी मिल जाता है। जीव सेवा का आशीर्वाद भी मिलता है। अब मुझे बताया गया कि सूरत में 40-45 गौशालाओं के साथ अनुबंध करके उन्हें गौ जीवामृत उत्पादन का जिम्मा सौंपा जाएगा। आप सोचिए इससे कितनी गौ माताओं की सेवा होगी। इस सब के साथ ही प्राकृतिक खेती से उपजा अन्न जिन करोड़ों लोगों का पेट भरता है, उन्हें कीटनाशकों और केमिकल से होने वाली घातक बीमारियों से भी बचाता है।